इस लेक्चर में मैं ऑटो इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी हम अब खुद से एंटर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो इस ग्रिड व्यू के अंदर में। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे करेंगे, वो मैं आज यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ मैथड्स बनाने पड़ेंगे जो कि पेज के लोड पर होगा। पेज पे लोड पे मेथड्स कॉल करेंगे जो कि जिसको मेरा को ऑटो इंक्रीमेंट करके देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए ना यहाँ से, यहाँ पे एक मैं मेथड बना लेता हूँ। जैसे मैंने वॉइड ऑटो काउंट के नाम से वॉइड इंक्रीमेंट के नाम से मैंने एक मेथड बनाया। उस मेथड के अंदर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे सर्च करके लाना है उस टेबल से एम्प्लॉई की वैल्यू को। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा एम्प्लॉई को। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सेलेक्ट करना है मुझे क्या, एम्प्लॉय आईडी जो उसका प्राइमरी की है, ठीक है। टेबल के अंदर में हम लोगों ने प्राइमरी की कौन सी ली थी, एम्प्लॉय आईडी ली थी, आईडी के नाम से है वो कॉलम सबसे पहला वाला। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई आईडी। तो ऑर्डर बाई आईडी क्या करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में पिक करेगा। तो ऑर्डर बाई लगाने से आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उसको जो आपकी आईडी होगी उस आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट कर देगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं SQL कमांड लेता हूँ, CMD SQL कमांड के अंदर मैंने str पास कर दिया और उसके अंदर मैंने कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब चूंकि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ को उठाना है, डेटाबेस से पिक करना है, मुझे कंटेनर चाहिए जिसमें मैं वैल्यूज़ को ड्रॉप करूँगा और वहाँ से चेक कराऊँगा। तो मैंने यहाँ पे SQL एक डेटा रीडर भी ले लिया और रीडर के अंदर मैंने क्या किया, CMD को एग्जीक्यूट करा दिया। तो एग्जीक्यूट क्या आएगा, नॉन क्वेरी। ये सारी वैल्यू को एग्जीक्यूट कराएगा और DR के अंदर रिटर्न कर देगा। अब DR को रिटर्न करने के लिए वन बाई वन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, DR के साथ में एक रीड का कंडीशन लगाया और रीड के कंडीशन के अंदर में मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को फैच करने जा रहा हूँ। तो मैंने को डेटा को फैच करने के लिए मैंने रन टाइम पे एक लेबल बनाता हूँ मैं, जैसे मैंने एक लेबल ले लिया, लेबल LBL काउंट के नाम से बनाता हूँ मैं। LBL काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं DR का वो जो वैल्यू है ना वो उठा लेता हूँ मैं, जो उसकी आईडी है। तो आईडी इसकी है, आईडी में जा रही है, यहाँ से मैंने आईडी उसका पिक कर लिया, डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारे लेबल के अंदर में। ये डॉट टू स्ट्रिंग एक्चुअली जो डेटा को होगा, मुझे डेटा को वहाँ पे भी स्टोर कराना पड़ेगा ना जहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है। तो मैं मुझे एक रन टाइम पे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, एक लेबल ले लेता हूँ मैं, बाद में इसकी प्रॉपर्टी को मैं ब्लैंक कर दूँगा। LBL
उसका टैक्स मैंने हटा दिया। LBL counts dot text और उसके अंदर मैंने DR के ID को रिटर्न कर दी। तो DR के जो ID होगा वो जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, काउंट के अंदर में, LBL काउंट के अंदर में मेरी वैल्यू चली जाएगी। अब मेरी जो वैल्यू है उसको मैं चाहता हूँ उसमें एक इंक्रीमेंट कर दूँ, तो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इंट ले लिया, इंट i इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, मैं टाइप कास्टिंग यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने LBL काउंट्स डॉट टेक्स्ट ये मैंने उसे ले लिया। अब वो चला गया i के अंदर में। फिर मैंने किया i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो i की जो भी वैल्यू वहाँ से जो पिक करेगा उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, एक वहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा जो लॉजिक क्या बोलता है कि जो मैं डेटाबेस से पिक करूँगा वो उसमें से एक को इंक्रीमेंट कर दूँगा, लेकिन ये मुझे कहाँ पे चाहिए, ये मुझे एग्जैक्टली चाहिए जहाँ पे फॉर्म लोड हो रहा है। ये मुझे एग्जैक्टली चाहिए जहाँ पे ये लोड हो रहा है। तो लोड कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है जहाँ पे मैं उसको पेज को लोड कर रहा हूँ। जब मेरा फॉर्म लोड होगा तो मुझे लोड के टाइम पे वो सारी वैल्यू चाहिए जो डेटाबेस की है, और जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये जो इंक्रीमेंट मेथड है, ये मेरा मेथड कहाँ पे चलना चाहिए, जब मैं उसको लोड करा रहा हूँ। सर LBL में i की वैल्यू सर डालना होगा? हाँ, ये डाल दिया ना हमने LBL, ये वाला हाँ वो डालना, तो नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, डालना तो होगा लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डालना है ना, मुझे कहाँ पे डालना है, मुझे इस वाले फील्ड में डालना है ना, इस वाले फील्ड में मुझे वो, मैंने सिर्फ वो सब मैंने लिया है काउंट कराने के लिए, वो मैंने सिर्फ लिया है ऑब्जेक्ट को काउंट कराने के लिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि आईडी जो आ रही है मेरी ना ग्रिड व्यू के अंदर में, उसमें हम मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो अब ये इंक्रीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले, तो जब ये पेज लोड होगा, इस पेज लोड हो में मैं कैसे कराऊंगा, तो मैं ऐड के बटन पे कोड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली क्या करे, यहाँ पे एक और ऐड कर दे, ये मेथड हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके ऐड के मेथड पे, ठीक है, ये जो इसका ऐड का मेथड है ये वाला, इस ऐड के मेथड में आते हैं। इस ऐड के मेथड में क्या करते हैं कि जो मैंने अभी कोडिंग करी है ना उसको यहाँ पे हम एक और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्शन ओपन हो गया, क्लोज हो गया, यहाँ तक इंसर्ट की कोडिंग हो गई मेरी। यहीं पे मैं इस लोड के मेथड को, नहीं ये वाला नहीं है, दिस वन, इस इंक्रीमेंट वाले मेथड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे ऐड के मेथड पे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को कर देता हूँ 1 एंड दिस इज आल्सो 1। यहाँ पे DR को भी हम कर देते हैं 1, सॉरी DR तो हमने यूज़ किया ही नहीं है इसके अंदर में, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने STR ले लिया, STR को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, STR 1, वो करेगा, उठाएगा, लाएगा और लाने के बाद आई इंक्रीमेंट कर देगा। तो मैं इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये वाली कोडिंग इसके बाद होनी चाहिए, ये वाली कोडिंग, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है।
और ये वाला जो कोड होगा ये मेरा प्रीवियसली कोड होगा इससे, यानी कि जब मैं इंसर्ट कराऊंगा उससे पहले ये कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वो CMD1 हो गया इसका, CMD1 को एग्जीक्यूट करा देगा और जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी मेरे डेटाबेस की आएगी वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। और फाइनली उन लोगों ने कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। डेटा रीडर जो है मेरा उसे क्लोज़ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ यहीं पे DR को क्लोज़ कर देता हूँ, DR.close, DR मेरा क्लोज़ हो जाएगा। कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो कनेक्शन ओपन मैं यहाँ करा लेता हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ओपन करने के लिए ना यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ ओपन की, एग्जीक्यूट रीडर से पहले इफ़ कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू कनेक्शन का जो है वो अगर क्लोज होता है तो क्या कर देगा, कॉन को ओपन कर देगा, कॉन डॉट ओपन। और ओपन के बाद जो है तुम्हारा DR को यहाँ से एग्जीक्यूट कराएगा, उसकी वैल्यू दे देगा। दिस कोड इज़ टू इंक्रीमेंट, ये वाला जो कोड है वो इंक्रीमेंट के लिए है, इंक्रीमेंट ID। और ये जो कोड है तुम्हारा वो क्या करेगा, इंसर्ट डेटा, डेटा को यहाँ पे वो इंसर्ट कर दे रहा है। ठीक है, पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं, यानी जब उस पर वो क्लिक करेगा, जब वो उस पर क्लिक करेगा तब होगा, लेकिन मैं क्लिक के टाइम पे तो नहीं चाहता हूँ ना। यानी उस फील्ड को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, उस फील्ड में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, उस फील्ड को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं उसको दिखाना चाहता हूँ तो उसको मुझे लेबल पे उठा के लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेटाबेस से यहाँ से फाइंड करूँगा, फाइंड करके जो वैल्यूज़ होगी वहाँ दिखा देंगे। चलो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। पे मैंने रमेश डाला, कोई भी एक वैल्यू मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो रमेश की वैल्यू 1002 चली गई अपने आप। और यहाँ पे भी दिखा रहा है वो तो पहले वाला वैल्यू है जो यहाँ डेटाबेस में उठा के लाया, तो इसको मैं हटा दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अभी सर यहाँ 1023 दिखाता था रन टाइम पे, हाँ मैं वही, वो भी रन जीरो थ्री तो भी 103 भी दिखा सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि जब पेज का लोड होगा ना, पेज के लोड पे उसको जी। कॉल करना होगा, वही देख रहा हूँ मैं अभी कि अगर मैं चाहता हूँ या तो इसके फील्ड को 103 को यहाँ दिखाना अगर है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो ये काउंट का मेथड है उस काउंट को मेथड को हमें पेज के लोड पे कॉल करना पड़ेगा। और पेज के लोड पे अगर हम कॉल करते हैं तो पेज के लोड पे ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अरे मैंने उसको डिलीट कर दिया ना वहाँ से, बस इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसको हम लोग यहाँ पे जो लेवल हम ले रहे हैं ना, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स में ही ले सकते हैं, नो नीड टू ग्रैंड। यहाँ पे इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 था ना हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 ही ले लो, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 ले लो, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 ले लेते हैं। फैमिली हमारा सारा टेक्स्ट बॉक्स 1 में ही काम हो जाएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसको यहाँ से डिलीट कर दो। देखो एक बार इसे रन करा के। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए पहले, और ये पहले आएगी इसके लिए हमें पेज के लोड मेथड को कॉल करना होगा। तो हम पेज के लोड मेथड को कॉल करेंगे, कोल लोड को कॉल करेंगे जब, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको मिलेगा ग्रिड व्यू के साथ में, ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें ग्रिड व्यू के साथ में, यही चाहते हो ना? तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे ग्रिड व्यू के साथ में, तो हम अगर मैं पेज के लोड पे इस मेथड को कॉल करता हूँ तो वो सिर्फ इंक्रीमेंट को कर देगा, लेकिन वो ग्रिड व्यू के पास कैसे भेजेगा, क्योंकि ग्रिड व्यू के अंदर में मुझे आइटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी के साथ में। तो ग्रिड व्यू का रो ऑब्जेक्ट मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या होता है अभी।
रिक्वायर्ड एन ओपन अनअवेलेबल वैलिड कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर डालते हो, जैसे योगेश डालते हो तो ऐड करोगे, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जब ये देखो ऐड हो गया, तो मैं चाहता हूँ उसके बाद भी यहाँ पे फिर चेंज हो जाए। तो जो मैंने अभी इंक्रीमेंट वाला मेथड बनाया ना, उसको तुम यहाँ पे कॉल कर दो ऐड के बाद भी। पेज के लोड पे तुमने कॉल किया ही हुआ है। इंक्रीमेंट वाला यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और इंक्रीमेंट वाला कॉल होने के बाद एक इंक्रीमेंट करेगा और उसको शो कर देगा। तो ये यहाँ पे डेटाबेस में सेव कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट फिर से कराते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक और बार इंक्रीमेंट को कॉल कर देते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंक्रीमेंट तो मेरे को यहाँ था ना, पेज के लोड पर कॉल करना था मुझे, तो पेज के लोड पर तो मैंने कॉल कर ही दिया है। नहीं, ऐड होने के बाद पोस्ट बैक इवेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बार और इंक्रीमेंट कॉल करके देखते हैं। रो कमांड में पेज लोड होने के बाद एक बार और इंक्रीमेंट कॉल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब तुम्हारा 5 था, अब यहाँ पे 6 आ गया। अब ये वाला जो पी फील्ड है इसको डिसेबल कर दो, ताकि यूज़र इसमें चेंजेस ना कर पाए। इसको डिसेबल कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, इसको रीड ओनली ट्रू कर दोगे तो उसमें यूज़र जो है चेंजेस नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके और तुम्हारा एडिट टेम्पलेट में जाना, और उसमें तुम जो है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, और ये तुम्हारा फूटर में ये वाला है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसको एनेबल्ड को फॉल्स कर दो। मतलब एनेबल फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा, वो विजिबल तो दिखेगा, दिखेगा वैल्यू दिखेगी, लेकिन उसमें यूज़र चेंज नहीं कर सकता।
तो ये जो मैंने आपको बताया ग्रिड व्यू के साथ, इसको आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हो, अपने फॉर्म पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। इसको तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पेज के लाइक ऑटो काउंट करने के लिए कि कितने वेबसाइट को कितनी बार यूज़र ने विजिट किया है, उसके लिए भी हम विजिटर काउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो मेनी एरियाज यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई कर सकते हो। डेटाबेस में एक वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करके रखनी पड़ेगी पहले, ताकि आप उस वैल्यू के भी हाँ पे आगे करो। देखो अब ये जो आपको दिख रहा है, बट इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना इसको कोई डिलीट कर सकता है ना चेंज कर सकता है, ये इसका एनेबल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी। मैं आपको, हाँ मैं आपको फिर कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, इसके बाद। जी।